गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं आज संगीत का क्लास ले रहा हूँ। आप लोग किस लोग के स्कूल में संगीत का क्लास होता है, तो इसलिए संगीत के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, संगीत आप लोग को प्रिय लगता है, बढ़िया लगता है, तो संगीत क्या है, संगीत किसे कहते हैं? संगीत तीन अक्षरों से बना है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीन कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं, जिसमें कि हारमोनियम में सात स्वर होते हैं। कौन कौन सा स्वर होते हैं? सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये सात स्वर होते हैं जो हारमोनियम में शुरू में इसको बताया जाता है, और ये सात स्वर जो है हारमोनियम में इसलिए बताया जाता है किसी सात स्वर में जो है से आपको संगीत जो स्वर है वो लोग आवाज जो है से मिलता है, और उसके माध्यम से लोग सहारा लेकर हारमोनियम से गाते हैं, जिससे कि आवाज सुरीला होता है, अच्छे हम भजन या फिल्मी गाने कोई भी हम चीज गा सकते हैं। तो इसलिए संगीत ये तीन अक्षरों से बना है। अगर हारमोनियम बजा रहे हैं तो गायन, गायन के मतलब हारमोनियम, वादन के मतलब तबला। अगर तबला नहीं बजता है तो जो व्यक्ति गा रहा है वो ठीक नहीं रहेगा। और नृत्य, नृत्य जो है किसको कहते हैं? डांस। डांस जो है नृत्य होता है, ये तीनों मिलता है तो अच्छा लगता है। अगर व्यक्ति गा रहा है, सिंगर गा रहा है और तबला नहीं बजेगा तो ठीक नहीं रहेगा। और नृत्य जो है वो भी है, अगर नृत्य डांस जो हो रहा है और तबला नहीं बजेगा तो वो सुंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए तीनों जो मिलता है तब जो है से अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए ये तीनों को सन्नानी को मिलने को हम संगीत कहते हैं। तो इसलिए हारमोनियम में सात स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये सात स्वर में जो है से सब भुलाया हुआ है, इसी से इसका जो है से शुरुआत होता है। तो बच्चों, जो हम आपको हारमोनियम जो है इसमें स्वर को हम बता रहे हैं, जैसे कि देखो सा आवाज को मिला जाता है, और ये आवाज मिलता है तो अच्छा जो है आवाज होता है, अच्छा अच्छी तरह से हम गा सकते हैं। तो ये हुआ हारमोनियम में आपको सात स्वरों का ये आपको जानकारी। अब तबला है, तो तबला में भी इसमें कायदे होते हैं, इसमें अलग अलग कायदे होते हैं। इसमें जो है से चार ताल, एक ताल, धमाल, ये सारे चीजें होते हैं। तो तबला के बारे में कुछ हम बता रहे हैं, जैसे कि तबला है जो एक डुगी होता है, एक जो है से तबला जो इसको हम बोलते हैं दाईं और बाईं।
तो तबला में जो है से ए बद्धी होता है और ये जो है से गुली कहते हैं और ये गजरा गजरा कहते हैं। उसके बाद यहाँ टाकी है, ये मैदान है, स्याही है। तो ये आपको जो है से तबला के बारे में कुछ हम जानकारी दिए हैं थोड़ा। और ये डुग्गी है, डुग्गी जो है से इसमें कुछ मिट्टी के भी होते हैं और कुछ स्टील के भी बने हुए होते हैं, तांबा धातु के। तो ये भी जो है से इसमें डोरी लगा रहता है, इसमें गजरा है और वैसे इसको डुगी कहते हैं। तो ये सारे चीज होते हैं आप लोग को, जो ये आप लोग को जानकारी के लिए होना जरूरी है। तो ये आपको संगीत के बारे में हम बताए हैं और आगे हम फिर चैप्टर को हम बताएंगे। इतने पर मैं आपको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।